दोस्तों नमस्कार, आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो टॉपिक है मशरूम एलर्जी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि एक्चुअल में मशरूम की एलर्जी होती है क्या। मशरूम एलर्जी स्पेशली आपने यहीं पे सुना होगा कि मशरूम खाने के बाद में, मशरूम कंज्यूम करने के बाद में ही हमें मशरूम की एलर्जी होती है। लेकिन एक्चुअल में मशरूम सिर्फ खाने की वजह से ही हमें एलर्जी क्रिएट नहीं कर सकता है, मतलब एक्चुअल में सिर्फ मशरूम खाने से ही एलर्जी नहीं होती है, तो मशरूम में काम करने की वजह से भी कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। तो कुछ टॉपिक्स है, टॉपिक वही जाएंगे कि मशरूम के बिजनेस में अगर हम कल्टीवेशन में काम कर रहे हैं तो कैसे हमें उसमें एलर्जी क्रिएट होती है, कौन से सिम्टम्स हमें दिखते हैं। तो बात करते हैं मशरूम की एलर्जी के ऊपर। तो दोस्तों, लाखों में किसी एक या दो व्यक्ति को ही मशरूम की एलर्जी होती है और ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ मशरूम से ही एलर्जी होती है? नहीं, ऐसे हमारे आजू बाजू बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनसे एलर्जी आपको हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए तो ब्रिंजल, जिसको बोलते हैं हम बैंगन, बैंगन को खाने की वजह से बहुत सारे लोगों को खुजली या फिर इचिंग की एलर्जी होती है। इन द सेम वे मशरूम की भी एलर्जी हो सकती है। मशरूम में भी स्किन के ऊपर रैशेस आना, मतलब मशरूम खाने के बाद में स्किन के ऊपर रैशेस आना या फिर हेडेक होना या फिर वोमिटिंग होना या फिर इचिंग होना, इस तरीके की एलर्जीज आपको दिख सकती है। और कुछ एलर्जीज होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस तरीके के मशरूम एलर्जीज के ऊपर कुछ कॉल्स आते हैं हमें और बताते हैं कि सर हमें मशरूम में काम करने की वजह से कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो क्या इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या यह मशरूम की वजह से ही है। तो ऐसे कुछ कॉल्स आते हैं, तो कॉल्स में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से। एक मुझे नागपुर से कॉल आया था, एक छत्तीसगढ़ से भी था, एक नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से भी था। नागपुर से जो कॉल था, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी, स्पेशली मैं तो जॉब में जाता हूँ लेकिन मेरी पत्नी मशरूम शेड में वर्क करती है, उनको जो है कम से कम 15 या 20 दिन से ही वहाँ पे उनको फीवर आया है और ये मशरूम में काम करने की वजह से ही, मतलब जब से हमने इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट किया और वहाँ पे उनका इंक्यूबेशन पीरियड में जो भी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, वहाँ पे फ्रेश हवा हम नहीं जाने देते हैं, तो ऐसे वक्त वहाँ पे उन्होंने बताया कि उस दिन से उनकी वाइफ को फीवर, मतलब बुखार आया है और वो कंटिन्यूसली है, बीच बीच में आते रहता है, तो वो अभी तक गया नहीं है, तो इसके लिए क्या करें, राइट। दूसरी चीज़ है, छत्तीसगढ़ से एक भी एक कॉल था, एक मैम का कॉल था, उनने भी बताया कि फिलहाल यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ तो इस तरीके के सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, सर्दी जो है कम से कम 2 महीने से अभी तक सर्दी गई नहीं है, ये प्रॉब्लम उन्होंने बताया। और एक नांदेड़ से था, एक्चुअल में मशरूम पाउडर उन्होंने बनाया था, गायकवाड़ सर थे, तो वहाँ पे जो भी वर्कर्स थे उनको जो है काम करते वक्त जो भी प्रॉब्लम्स आई, मतलब पाउडर जो होता है हमारे नाक से अंदर जाता है, आप कितना भी प्रोटेक्ट कर लो मशरूम का पाउडर बनाते वक्त, मशरूम पाउडर के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप कितना भी प्रोटेक्ट करोगे उसके बावजूद भी वो नाक में चले ही जाते हैं, आंख में भी चले जाते हैं, जिस वजह से हमें उसकी एलर्जी क्रिएट होती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो सिम्टम्स में आती है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमने हमारे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने मशरूम का फार्मिंग स्टार्ट किया था, तो जहाँ पे मशरूम का फार्मिंग स्टार्ट किया था वहाँ पे एक इंक्यूबेशन रूम भी था जहाँ पे फ्रेश हवा बिल्कुल भी नहीं जाती थी। तो जब भी मैं स्पेशली चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और कल्टीवेशन के लिए 100 किलोमीटर दूर जाता था, तो ट्रेनिंग सेशंस भी होते थे कुछ, तो हर संडे हमारा ये प्रोग्राम रहता था, तो कम से कम 6 महीने मुझे एक एक्सपीरियंस आया कि जब भी मैं कल्टीवेशन के रूम में ही, साइड में हमारा ट्रेनिंग सेशन का रूम भी था जहाँ पे हम ट्रेनिंग्स देते थे, तो वहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटा 6 घंटा तक हमारा दिन पूरा वहाँ पे गुजर जाता था। तो ऐसे वक्त मुझे काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब मैं शाम को वापस आता था चंद्रपुर में, शाम को वापस आता था तो कम से कम 8 या 9 के बजे मुझे बुखार आना चालू हो जाता था। तो कम से कम ये 6 महीने तक चला और जिस दिन भी मैं इंक्यूबेशन पीरियड के रूम में या फिर मशरूम के रूम में काम करता था वहाँ पे मुझे उस दिन मुझे बुखार 100% आता ही था। तो इस तरीके से अब मेरी हैबिट बन गई है, मैं जब भी मशरूम के रूम में अभी काम करता हूँ तो इस तरीके का बुखार नहीं आता है। तो हो सकता है मेरी बॉडी ने वहाँ पे काम करने का अडॉप्शन की कर लिया हो या फिर मैं अडॉप्ट हो गया हूँ, मेरे बॉडी ने वो एक्सेप्ट कर लिए होंगे वो चेंजेस कि नहीं मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो उस तरीके की बॉडी, जैसे आपको पता है कि हमारे पूर्वज जो थे बंदर थे, हमें हिस्ट्री पता है, राइट। तो पूर्वज जो थे वो बंदर थे, अब धीरे धीरे हैं हम, हमारी टेल जो है बंदर की टेल जो गायब हो चुकी है और हम इतने डेवलप हो गए कि हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, हमारे पास में कंप्यूटर है, हमारे पास में मोबाइल है, हम सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड कर सकते, मतलब एडवांस हो चुके हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो अडॉप्ट कर रही है। अब जो है पहले जो पुराने लोग थे वो 100 साल तक जीते थे, अब के लोग जो है 60 से 70 साल तक ही जीते हैं। तो मशरूम एक सुपर फूड है जो हम कंज्यूम करके अपनी आयु बढ़ा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रीजनरेशन ऑफ सेल होता है, तो वो एक टॉपिक बाजू में रखिए। लेकिन हमने अडॉप्ट कर लिया है तो उसी तरीके का मेरा एक एक्सपीरियंस है कि हमारी बॉडी भी अडॉप्ट करती है मशरूम के फील्ड में काम करते वक्त, राइट। तो इसमें कुछ आपको मैं सिम्टम्स बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं और ये क्यों होते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था मशरूम स्पोर्स, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मशरूम स्पोर जो होते हैं, जब भी मशरूम के फ्रूटिंग्स आते हैं, मतलब मशरूम्स लगते हैं, स्पेशली ओइस्टर मशरूम की हम बात कर रहे हैं, तो लगने के बाद में वहाँ से स्पोर्स जो है ना रिलीज होते हैं, जब रिलीज होते हैं मशरूम मैच्योर जब हो जाते हैं तो स्पोर्स जो है रिलीज होते हैं। आपको शायद आप कैमरे से देखोगे तो वहाँ पे आपको स्पोर्स भी दिखेंगे, और दूसरी चीज़ है कि आपने अगर फोटो निकालोगे तो उसके ऊपर नीचे जाली भी आपको दिखाई देगी, व्हाइट वाली, व्हाइट कलर की। तो वो स्पोर जब रिलीज होते हैं तो
हवा में वो स्प्रेड हो जाते हैं, राइट। तो वो स्पोर रिलीजिंग के वक्त वो जब हमारे नाक से अंदर जाएंगे तो उससे हमें स्नीजिंग आती है। हमारे बॉडी के अंदर जब जाती है तो कोल्ड हो जाता है, मतलब सर्दी हो जाती है, और धीरे धीरे हमें बुखार भी आने लगता है। ऐसे ही कुछ और कॉमन सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, हेडेक भी होता है, मतलब आपका सर दर्द भी दुखने लगता है, और वोमिटिंग के जैसा भी, मतलब आप टोटली अनकंफर्टेबल फील करते हो। जो भी जनरल और कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स हमें मशरूम का पाउडर करते वक्त, मशरूम का कल्टिवेशन करते वक्त, मशरूम के इंक्यूबेशन पीरियड में काम करते वक्त, आप रेगुलर वहाँ पे घंटों घंटे वहाँ पे कंटिन्यूस काम कर रहे हो, या फिर आप मशरूम खा रहे हो। तो इस तरीके से एलर्जी जो है कुछ लाखों में ही कुछ लोगों को वो दिखती है, सारे के सारे लोगों को मशरूम की एलर्जी बिल्कुल भी नहीं होती। इसके पहले मैंने और एक एग्जांपल दिया कि जैसे हम बैंगन खाते हैं तो खुजली की एलर्जी सबको थोड़ी है, नहीं ना, लाखों में किसी एक व्यक्ति को ही है ना। तो इन दी सेम वे मशरूम की एलर्जी भी इसी तरीके की होती है। अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशन के ऊपर, कि इस एलर्जी का क्या सॉल्यूशन है। हाँ, इस एलर्जी का सॉल्यूशन है कि अगर आपको इस तरीके की एलर्जी आती है तो इसमें दो सॉल्यूशंस है। एक तो आप एक स्टॉप करते हो काम करना कर सकते हो, या फिर आप कंटिन्यू उसमें रन कर सकते हो। समझो आपका प्रोजेक्ट फाइनल है और आपको पता है कि नहीं मुझे मशरूम में ही काम करना है, तो इसके लिए इस मशरूम की जो है आपको हैबिट लगानी पड़ेगी। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, समझो आप 6 घंटे काम कर रहे हो तो वहाँ पे पहले 1 घंटा ही काम करते रहो, राइट। तो आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी, राइट। तो इसकी आपको हैबिट होनी चाहिए अगर प्रोजेक्ट कंटिन्यू रन करना है तो। अगर आपको वो सहन नहीं हो रहा है या फिर आपको वहाँ पे काम ही नहीं करना है, आप में पेशेंस लेवल नहीं है, तो आप इस काम को स्टॉप कर दीजिए। और वो जो है, या फिर स्टॉप करने की भी ज़रूरत नहीं, आप लेबर लगा सकते हो अगर आपके पास में पोटेंशियल है, तो आप वो काम मत करिए जहाँ पर मशरूम से आपका एक्सपोजर हो रहा है, एक मशरूम के साथ में कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो वो काम मत करिए, वो काम आप लेबर से करा सकते हो, राइट। तो आपके पास में सॉल्यूशंस हैं, राइट। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, अगर हो सकते हैं तो सॉल्यूशंस भी है। एक तो काम बंद कर दीजिए, या फिर करना है तो धीरे धीरे उसकी आदत डालिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रा सा भी काम का लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कम से कम समय में ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करना चाहते हो, प्रैक्टिकली या फिर ऑनलाइन, दोनों भी अवेलेबल है। आप जिस भी राज्य से हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो कि हम इस राज्य से हैं, हमारा ये लोकेशन है, तो आपके आजू बाजू में भारत के हर राज्य में हमारा ग्रोवर है, तो आप वहाँ पर प्रैक्टिकल सेशन कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन आपको GBS टीम पढ़ाएगी। अगर आप चाहते हो रिलेटेड मशरूम के आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, या फिर प्रोडक्ट बना के आप अपने एरिया में सेल करना चाहते हो, अपना ड्राई मशरूम सेल करना चाहते हो, तो 100% आप GBS मशरूम को कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।